रायबरेली में हरियाणा की नूह में साजिश के तहत हुई हिंसा, आगजनी व हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिहादियों का पुतला दहन करने एनआईए जांच की मांग करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा की नूह में सावन मास में श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरह से उपद्रवियों द्वारा श्रावण मास में शिव भक्तों पर गोलियां और पेट्रोल बमों से हमला करने के साथ ही 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसके बाद वाहन में आग लगा दी और पहाड़ी पर चढ़कर तीनों तरफ से मंदिर में शरण लिए हुए महिलाओं बच्चों सहित शिव भक्तों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त घायल हो गए थे। घटना को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस हमले के विरोध में आज शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर स्थित शहीद चौक पर आतंकवाद का पुतला जलाकर घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की है। आज ये कार्यक्रम हमारा ये देशव्यापी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो यहाँ हरियाणा मेवात में जो घटना घटी है नलहन महादेव मंदिर के पास, जो विश्व हिंदू परिषद ये यात्रा अपनी देख रेख में हर वर्ष करवाता है और इसमें 20-25 हज़ार जिसमें जो श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर निकलती है। आज तक कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन इस बार जो है पूर्व सुनियोजित तरीके से जिहादियों ने, एक जाति विशेष के लोगों ने, वहाँ पे किनारे किनारे पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और आगजनी भी की, करीब 100-150 गाड़ियाँ जलाई। हमारे केंद्रीय अधिकारी हैं उनके ऊपर भी हमले किए गए, हमारे कार्यकर्ता की उसमें जो है मौत भी हुई उसमें, और 2 पुलिसकर्मी भी उसमें जो है मारे गए। और इतनी बड़ी यात्रा और कैसे प्रशासन ने वहाँ पे, उस स्थानीय प्रशासन ने कैसे कंट्रोल नहीं किया, ये एक बड़ा विषय है। जहाँ पे कहीं भी हम लोग ये भी मानते हैं कि कहीं भी हमारी सौर यात्राएं और इस तरह धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उनकी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था बराबर प्रशासन चाक चौबंद करे और वहाँ का प्रशासन जो भी है, जो भी इसके पीछे हैं मास्टरमाइंड जो भी हैं, उनके खिलाफ जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करे। और हमारा बजरंग दल के नेतृत्व में ये ज्ञापन जो है दिया जा रहा है, सांकेतिक हमारा जो है विरोध प्रदर्शन हमारा है जो पुतला दहन किया गया है बजरंग दल के द्वारा जो है, और ये पूरे देश में जो है लगातार बराबर जो है ये किया जा रहा है। और हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, भी के कार्यकर्ता इस तरह की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए हमको चाहे जो भी गुजरना पड़े। ये है कि मेवात में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर उन्हें टारगेट करके पथराव किया गया और गोलियां चलाई गई, मतलब इनका ये उद्देश्य है कि हमारी कोई धार्मिक यात्रा पूरे देश में ना निकल सके। तो ये एक देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, समाज में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके विरोध में आज पूरे देश में हर जिले पर बजरंग दल पुतला दहन का और ज्ञापन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमारी मांग है कि इसमें दोषी को सजा मिले और उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल सड़क पर आकर खुद अपनी समाज की सुरक्षा कर लेगा। जय श्री राम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।